राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। क्या बड़ी खबर निकल कर आई है आपके सामने। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि महिला परीक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर एक संबंध में जो कि 13/8/2023 को इच्छा परीक्षा एग्जाम होगा या फिर नहीं, क्या ये अफवाहें हैं, पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे कि आपको एक लेटर दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट आपके स्क्रीन पर कि यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 13 अगस्त को होगा, इस तरह एक लेटर जारी हुआ है। क्या ये अफवाहें हैं या फिर फेक न्यूज है, आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आप व्यापम पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आप बात करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, जिसका आप स्पष्ट एक लेटर दिखाई दे रहा होगा जिसमें परीक्षा तिथि घोषित कर दिया गया है, जिसमें 13/8/2023 को इच्छा परीक्षा होगी। समय भी इसको बताया गया है कि खुली परिसीमित भर्ती के लिए, जिसका खुली पर्यवेक्षक भर्ती के लिए सुबह 10 बजे से लेकर 12:15 तक। उसी प्रकार परिसीमित भर्ती को लेकर जिसका समय बताया गया है आपका दोपहर 2 बजे से लेकर 4:15 तक, और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में भी बताया गया है जो 7/8/2023 को है ना। तो क्या ये लेटर सही है? जैसे कि आपको और स्क्रीन पर लेटर दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा के संबंध में, जैसे कि देखिए एक लेटर दिखाई दे रहा होगा फिर से कि कुछ माध्यमों से यह प्रसारित किया जा रहा है ना, कुछ माध्यमों से यह प्रसारित किया जा रहा है कि व्यापम द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत नया रायपुर के अंतर्गत पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित भर्ती के संबंध में परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। इस तरह एक व्यापम द्वारा एक लेटर दिखाई दे रहा होगा जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि व्यापम द्वारा अभी कोई भी परीक्षक तिथि निर्धारित नहीं किया गया है ना। तो जैसे कि पहले आपको एक लेटर दिखाई दे रहा, उसमें लेटर में कि परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है, यानी कि वो पूरा अफवाहें हैं, ये पूरा फेक न्यूज है। ये आपको लेटर व्यापम द्वारा दिखाई दे रहा है कि कृपया उक्त विज्ञापन यानी कि विज्ञप्ति द्वारा परीक्षार्थियों के हित में अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में एवं प्रदेश से मुद्रित होने वाले सभी संस्करणों में समाचार वित्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट आपको बताया गया है कि स्पष्ट है कि व्यापम द्वारा अभी कोई भी परीक्षक तिथि निर्धारित नहीं किया गया है, यानी कि यह पहला अभी फेक न्यूज है। तो आप लोग महिला पर्यवेक्षक परीक्षक तिथि अभी जारी नहीं किया गया है, इसका एग्जाम 13 अगस्त को नहीं होगा। इसी तरह एक संबंध है, मैं इसी तरह का एक आप सभी को अपडेट देना वाला था कि मतलब ये जो पहला जो लेटर आपको दिखाया ना, वो आपका फेक न्यूज है। आप लोग इतना घबराए नहीं, आप लोग व्यापम की तैयारी करते रहें, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहें। जैसे इसकी लेटेस्ट अपडेट अगर मिलती है तो आपको इस तरह नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसे अगर आप लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ ही अगर आप व्यापम जैसे हौसल बढ़ाने की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।